हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको वीडियो इंस्टीट्यूट में। मेरा नाम मुकेश है। आज आप लोगों को बताएंगे, मेरे पास एक सैमसंग का बोर्ड आया हुआ है 4003 मॉडल का। इसमें प्रॉब्लम क्या है, आइए चेक करके दिखाते हैं। ये पावर सप्लाई है, मदरबोर्ड। देखिए तो मेरा कैपेसिटर तक वोल्टेज आ रहा है, देखिए कैपेसिटर तक वोल्टेज आ रहा है तो मदरबोर्ड में लाइन नहीं आ रहा है। तो जब भी आप सैमसंग का पावर सप्लाई चेक कीजिएगा ना, तो सैमसंग का पावर सप्लाई चेक करने का तरीका है, ये ऑटोमेटिक आपको पावर सप्लाई ऑन हो जाता है। इस केबल को मदरबोर्ड का कनेक्शन हटा देते हैं ना, यहाँ 12 वोल्ट आपको यहाँ पर आपको बनने लगेगा, हटा देते हैं तब। तो इस पिन को आप थोड़ा प्रेस करके निकालिएगा, क्योंकि लॉक लगा हुआ रहता है ना। तो देखिए अब हम इसमें लाइन देकर दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ तो वोल्टेज कैपेसिटर पे तो आ ही रहा है, नहीं आ रहा है। देखिए आगे तो चलिए, अब आपको ग्राउंड करना है एक तार को, ब्लैक वायर को ग्राउंड कर लें। तो बोर्ड को आप पलटी कर लीजिएगा अच्छे से लाइन देख के, उसके बाद आप यहाँ पे चेक कीजिएगा हर पिन पे। देखिए इधर वोल्टेज नहीं आ रहा है, जब वोल्टेज नहीं आ रहा है तो फिर मेरा बोर्ड शॉर्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है और इसके अलावा नहीं आ रहा है। तो चलिए हम चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो मेरा सेक्शन सही है, तब इधर वोल्टेज आउट कर रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो मल्टीमीटर कंटिन्यूटी मोड पे रख के चलिए इस तरह से प्लग से हम चेक करते हैं। पहले यहाँ पर है छोटा छोटा डायोड है, ऑप्टो कपलर है, ये भी डायोड है, ये रेजिस्टेंस, ये जम्पर वम्पर भी कभी होता है। तो देखिए चेक करके दिखाते हैं, जब भी अगर डायोड को चेक कीजिएगा ना, अगर शॉर्ट रहते हैं बीप देगा, क्योंकि बीप नहीं दे रहा है। और जब आप ऑप्टो कपलर को चेंज कीजिएगा तो आपस में ये दोनों पिन और ये आपस में ये दोनों पिन शॉर्ट नहीं होना चाहिए, आवाज़ नहीं आना चाहिए। कोई भी आपस में अगर बीप देगा तो इसका मतलब मेरा ऑप्टो कपलर शॉर्ट नहीं है। ये भी चेक कर लेते हैं, रेजिस्टेंस तो देता है, जम्पर को भी आप लगा देख लीजिएगा, जम्पर चेक कर देखिए, इधर भी नहीं आ रहा है, इधर भी नहीं आ रहा है। तो जम्पर चेक करने का तरीका है, जम्पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ रहता है, यहाँ से यहाँ इसमें लकीर खींचा हुआ रहता है। जो बीप देने वाला होगा ना, वो लकीर अगर सीधा हो तो बीप देगा, नहीं अगर बीच से, जैसे यहाँ पर देखिए डायोड लगा, डायोड का सिंबल बना तो बीच से ऐसे है, जब ये शॉर्ट होगा तभी बीप देगा, जब शॉर्ट नहीं होगा तो बीप नहीं देगा। आप ये कैपेसिटर सबको भी देख सकते हैं अगर शॉर्ट है या नहीं। तो उसके लिए चेक करने के लिए कैपेसिटर को आप पलटा कर भी चेक कर सकते हैं ऐसे। देखिए यहाँ पर शॉर्टिंग बता रहा है इस कैपेसिटर पे, इस पे भी शॉर्टिंग बता रहा है, ज़रा शॉर्ट नहीं है इस कैपेसिटर पे, शॉर्टिंग बता रहा है ये कॉइल पे भी, इसका मतलब इधर शॉर्ट है तब शॉर्टिंग बता रहा है। तो चलिए ये सब तो चेक कर ही लिए, नहीं शॉर्टिंग है। देखिए दोस्तों ये डायोड शॉर्ट है,
अब ये डायोड शॉर्ट है तो शायद इससे पहले भी रिपेयरिंग हो चुका है एक बार, क्योंकि देखिए कोई मैकेनिक बनाया हुआ है इसको तो एक डायोड चेंज किया, इस साइड का डायोड चेंज नहीं किया है। तो चलिए हम एक डायोड को काट के आपको दिखाते हैं कौन सा डायोड शॉर्ट है। तो अगर आपको कौन सा डायोड शॉर्ट है तो वो चेक करने के लिए पहले एक डायोड को आप काट दीजिए, उसके बाद आप शॉर्टेज चेक कीजिए कौन सा डायोड शॉर्ट है। तो देखिए दोस्तों जो नया डायोड लगाया हुआ था ना मैकेनिक वो सही है, ये ख़राब हो गया। जब भी आप टीवी बनाइएगा ना, चलिए इसको भी काट कर देखते हैं। चलिए आप देखते हैं, देखिए ये डायोड शॉर्ट है, क्योंकि जब भी आप बनाइएगा ना तो दोनों को दोनों डायोड साथ में चेंज कीजिएगा, क्योंकि एक चेंज किए तो चलेगा वो, क्योंकि एक से भी चलेगा। देखिए दिखाते हैं आपको इसको हम लगा के, अभी एक डायोड पे भी चलेगा वो। एक डायोड पे भी आपका टीवी वोल्टेज यहाँ पे आउट करने लगा, लेकिन वो चलेगा नहीं ज़्यादा दिन, वो ख़राब हो जाएगा। देखिए क्योंकि 12 वोल्ट यहाँ पर नहीं आ रहा था, चलिए आप लोगों को दिखाते हम 12 वोल्ट फिर, क्योंकि एक डायोड पे भी चलेगा वैसे वो मैकेनिक एक डायोड लगा दिया। देखिए यहाँ आ रहा है, अब चलिए आप लोग हम 12 वोल्ट दिखाते हैं। इसको पलटी कर लीजिए, पलटी करने के बाद एक आप एक यहाँ पे ब्लैक वायर को आप ग्राउंड कीजिए और यहाँ पर चेक कीजिए। देखिए 12 वोल्ट आ गया, मल्टीमीटर पे देखिए जूम करके दिखाते हैं। देखिए 12 वोल्ट आ गया, तो ऐसा नहीं करना है। और जब भी आप इसको लगाइएगा ना डायोड तो दोनों को दोनों डायोड चेंज किया, तो देख चलिए हम डायोड आपको चेंज करके दिखाते हैं, क्योंकि टीवी तो एक ही डायोड पे ऑन हो जाएगा लेकिन वो चलेगा नहीं, जैसा मैकेनिक किया था ना एक डायोड पे वो आप लोग नहीं कीजिएगा। जब भी चेंज कीजिएगा तो दोनों डायोड चेंज कीजिएगा। क्योंकि एक डायोड चलेगा नहीं, जब भी चेंज कीजिए तो साथ में दोनों डायोड ही चेंज कीजिए। जैसे एक चेंज किया मैकेनिक तो दूसरा खराब हो गया। आप इसको अच्छे से खींचकर चलिए इसको ऐसे निकाल लीजिए। चलिए तो मैं उसके बाद इसको आप अच्छे से ये डाल के क्लीन कर लीजिए। चलिए क्लीन कर लिए, अब आपको डायोड लगाना है। तो मेरे पास ये दो डायोड है, ठीक है। और जब भी आप डायोड लगाइएगा ना तो डायोड को सिंबल बना हुआ है, अब उल्टा सीधा डायोड नहीं मत लगाइएगा तो टीवी भी नहीं ऑन होगा। डायोड तो आप चेंज कर दिएगा, उल्टा लगा दिए तो ऑन भी नहीं होगा। तो जब भी देखिए तो सिंबल बना हुआ रहता है और बोर्ड में भी सिंबल बना हुआ है डायोड का, कैसे लगाना है तो आप सिंबल देख के लगाइएगा डायोड। तो चलिए मेरे पास ये दो डायोड है, लगा के आपको हम चेक करके फिर टीवी भी दिखाते हैं आपको चेक करके। ठीक है दोस्तों, ये डाउट लग गया और ये दूसरा है। इसको भी कभी भी लगाइएगा ना तो उसको आप माइनस प्लस देख के लगाइएगा डाउट को, नहीं उल्टा एक सही लगाइएगा एक उल्टा लगाइएगा तो उसमें तो शॉर्ट हो जाएगा, फिर वो ऑन भी नहीं होगा एक उल्टा एक सीधा में। तो जब भी लगे तो डायोड को ध्यान देकर लगाइएगा। अच्छे से इसको आप सोल्डिंग से सोल्डिंग कर लीजिएगा। ये
अब सोल्डिंग करला के बाद देखिए यहाँ पे ये पेस्ट वेस्ट लग गया है, तो इसके लिए आप एक पेट्रोल या थिनर से आप एक ब्रश एक बार इसको अच्छे से साफ कर दीजिएगा जो चमक जाए, तो वो पता नहीं चलेगा आपको कि जो गंदा नहीं रहेगा, फिर पूरा ब्रश पूरा बोर्ड पे ही मार दीजिए एक बार। देखिए आपका अच्छे से साफ हो गया, चलिए अब इसमें हूँ लाइन देख चेक, जब भी आप चेक कीजिएगा ना तो आप अच्छे से इसको साफ कर लीजिए, अगर अंदर में अगर कोई रह गया सोल्डिंग का कुछ कंपोनेंट सब तो शॉर्ट हो जाएगा बोर्ड, अच्छे से क्लीन करके तो अब मदर बोर्ड को हम लगाते हैं, उसके बाद फिर हम चेक करके दिखाते हैं। ये देखिए दोनों है, ये इंडिकेटर है, ये ध्यान दीजिए, देखिए मेरा इंडिकेटर आ गया। चलिए तो अब आपको दिखाते इसमें पिक्चर चला के दिखाते हैं, मेरे पास ये एलईडी टेस्टर है, उसको हम आपको पिक्चर दिखाएंगे इसमें चेक करके। एलईडी टेस्टर को पहले हम इसमें लाइन देंगे, तो चलिए एलईडी टेस्टर ये दीजिए, और इसके लिए आप तो ये कन्वर्टर भी निकालना होगा, साथ में ये भी आपको स्केलर भी। तो जब भी आप इसमें चेक कीजिएगा ना तो एल वी डी एस सही लगाइएगा, आप देखिए यहाँ पे बेसिस दिया है, कोई भी एल वी डी एस लगाइए तो आप थोड़ा अच्छे से लगाइएगा, जिस सर लगाएगा उस सर बेसिस दिया हुआ रहता है। तो चलिए हम ये लगाते हैं, और ये लगाने के बाद जब बोर्ड में आप लगाइएगा तो बोर्ड में आप बी सी सी चेक करने के लिए आप बी सी सी किसर है 12 वोल्ट किसर आउट करेगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं, आप मल्टीमीटर के एक वायर को आप ग्राउंड कर दीजिए, और यहाँ पर देखिए दोनों किस इस साइड और इस साइड हम चेक करेंगे, तो देखिए इस साइड नहीं आ रहा है और इस साइड आएगा वोल्टेज 12 वोल्ट। देखिए मल्टीमीटर पे दिखे, मल्टीमीटर जूम करके देखिए 12 वोल्ट आ रहा है। तो चलिए अब हम आपको पहले लाइन काट लेंगे बोर्ड का, और ये लगा के हम एल वी डी एस लगाइए, और जब ये लगाइएगा ना यहाँ पे अच्छे से इसको आप लगाइएगा, लगा दिए। और चलिए इसमें हम लाइन देके दिखाते हैं आपको, चलिए हम लाइन दे दिए और बोर्ड में भी लाइन हम दे देते हैं। देखिए टेस्टर ऑन हो गया, हम बटन देखते बटन टिपके, चलिए हम आपको पिक्चर दिखाते इसमें चला के। HDMI केबल लगा लिए हमने, और HDMI केबल पे फिर जाने के लिए आप यहाँ से रिमोट है वो ठीक है आ गया मेरा, तो आपको इससे हम दिखाते हैं कोई भी वीडियो चला के आपको अच्छा। देखिए इसमें मैपिंग है, इसको आप मैपिंग सही करने के लिए देखिए, देखिए मैपिंग सही हो गया तो मेरा बोर्ड ओके हो गया, अब कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो देखिए दोस्तों मेरा बोर्ड ओके हो गया, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, अगर आपको ट्रेनिंग की जानकारी चाहिए v2institute.com पे जाकर आप ट्रेनिंग की जानकारी ले सकते हैं, अगर सर्विस चाहिए तो v2service.com, अगर कोई भी आपको एलईडी एलसीडी का पार्ट चाहिए बोर्ड चाहिए या डिस्प्ले बोर्ड टेस्टर चाहिए उसके लिए आप v2tools.shop पे जाके आप जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।